दोस्तों, संविदा खातून ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आप ठीक हैं, हम ठीक हैं, दोस्तों आप भी ठीक रहें और आपका परिवार भी ठीक रहे। चलिए दोस्तों, ये बर्फी है, ये बर्फी है, प्लास्टिक है। इसको मैं कीन करके लाई थी पंखे बनाने के लिए, लेकिन अभी ठंडी का मौसम है तो पंखा नहीं बनाऊंगी। इसका मैं आज जा रही हूँ एक पर्देहल, गेट का पर्देहल तैयार करने के लिए। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे वीडियो को गौर से देखते रहिए। तो दोस्तों ये बॉर्डर काट रही हूँ, ये जिसको पट्टी बोलते रहते हैं आप लोग, उसको बॉर्डर भी बोलते रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा बॉर्डर बोलते रहते हैं ऊपर के पट्टी को। तो ये बॉर्डर काट रही हूँ, इसका बॉर्डर बनाऊंगी। दोस्तों इसको यहाँ से जोड़ देती हूँ, वाइट धागे से जोड़ दूंगी और फिर उसके बाद यहाँ से इसको जोड़ दूंगी, तो ये बॉर्डर बन जाएगा। चलिए दोस्तों मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसको मैं बना लेती हूँ। इसको बनाने में दोस्तों, इसको बनाने में बहुत काफ़ी टाइम लगता रहता है, तो इसको मैं बनाती हूँ। और इधर से बना लिया हूँ माशाअल्लाह, और इधर से फिर मैं स्टार्ट अभी कर रही हूँ। दोस्तों इसको बना रही हूँ, ये ए है, ये ए है, ये अब इसको बनाने में बहुत टाइम लगता रहता है, तो इसको बीच से फिर भी भरना पड़ता रहता है, तो इसको बीच से अभी भर रही हूँ। अभी थोड़ा देर में भरा जाएगा। चलिए दोस्तों, ये मैं फुदना बनाती हूँ, मैं ज़्यादा ऐसी ही फुदना बनाती हूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता रहता है, इसलिए मैं ऐसे बना लेती रहती हूँ, तो पाँव में फंसा करके और बांधती रहती हूँ। चलिए दोस्तों, मैं फुदना जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, तो आपको फिर बतलाऊँगी। चलिए दोस्तों, इसको मैं फुदना बना लेती हूँ, इसको ऐसे काट दूँगी बीच से ऐसे काट दूँगी। बंद कर दो। तो दोस्तों इसको ऐसे, ये सारा मैं काट ली और इसको ऐसे बराबर कर दूंगी, ऐसे बराबर कर दूंगी और ये सभी को ऐसे मैं बराबर कर देती हूँ। ये हो गया बराबर। सारे को दोस्तों ये बहुत अच्छा और बहुत हल्का, बहुत अच्छा से और बहुत हल्का से बन जाता रहता है बहुत जल्दी, और अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता रहता है। तो दोस्तों इसको काट लिया हूँ, ये एकदम गोल गोल और चिकना चिकना अच्छा हो गया, छोटा छोटा है और वाइट भी बहुत अच्छा लग रहा है और लाल भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो सभी को। चलिए दोस्तों इसको मैं सही से इसमें से झाड़ लेती हूँ, इसमें वाइट है ना तो लाल मिल गया हुआ, इस सबको निकाल दूँगी, इस सबको निकाल दूँगी। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा फुदना मैं पाँव में फंसाती हूँ और पाँव में फंसाने के बाद इसको कैंची से बांध देती हूँ गिड्ढा, और कैंची से काट देती हूँ, और हाथ में फंसा कर भी बना लेती हूँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता रहता है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लगता रहता है, और ये हमारा बॉर्डर तैयारी हो गया हुआ है बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से, और यही बॉर्डर में मैं बना लूँगी। बॉर्डर एकदम तैयारी हो गया हुआ है, ये प्लास्टिक का है, ये बर्फी बोलते रहते हैं, ये बिकता रहता है, उसको लेकर के मैं इसका बॉर्डर बनाई हूँ। इसमें माशाअल्लाह लिख दिया हूँ सुई से, और इधर में मुबारक लिख दिया हूँ। चलिए दोस्तों,
तो पहले हमको, और मोती हमारे पास पहले का मोती है, तो इसको मिला करके पाइप नहीं लगाऊंगी, मोती मिला करके और बना लेती हूँ। तो मैं एक लरी बना लेती हूँ, उसके बाद इस बॉर्डर में बनाऊंगी। पहले लरी इसको बना लेती हूँ। सुई में फंसा करके ये फूदने को ऐसे, और इसमें चार चार मोती दूंगी। देखिए दोस्तों, तो इसमें वाइट और एक वो लाल दिया हूँ और एक वाइट दिया हूँ, और अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद बॉर्डर में लगा दूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और फुदना भी बहुत अच्छा है, खूबसूरत गोल गोल और छोटा छोटा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एक रंग का है। तो ये घुटकी उटकी है ना, ये सभी को मैं निकाल करके और सफाई कर दूंगी। ये देखिए, इसको झाड़ दूंगी तो अपने आप गिर जाएगा। तो ये फुदना पहले बना लूँगी। तो चलिए दोस्तों, ये फुदना अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं इसको गाँथ लूँगी, ऐसे ही लरी गाँथ लूँगी पहले, और लरी गाँथ करके उसके बाद इसको बॉर्डर में ज्वाइंट कर दूँगी एक मरतबा। चलिए दोस्तों, ये हमारा अभी तैयार है, तो मैं बॉर्डर में लगा रही हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं इसमें काटिंग लगा दिया हूँ और प्लेन से, और इसको मैं अब शुरू कर रही हूँ। तो आज हमारा परदेहल तैयारी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज मैं इसको ऐसे करके और इसको ऐसे बांधूँ, ये छोटा धागा गिर गया। चलिए दोस्तों, तो यहाँ कांटी लगा दिया हुआ यहाँ, और ये बॉर्डर हमारा एकदम बिल्कुल तैयार है। तो ये भी तैयार है, तो फुदना भी मैं डाल लेती हूँ। अब इसको मैं ऐसे बना लूँगी। आज हमारा परदेहल तैयार हो जाएगा गेट सजाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये ऐसे फुदना लगा दूंगी और छोटा बड़ा बना दूंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा सारा तैयारी है। चलिए दोस्तों, तो दो इधर दे दिया हूँ, एक 11-11 का है, और मोती लगा करके इसको बढ़ा दिया हूँ, और इधर से दो देती हूँ। चलिए दोस्तों, तो दो इधर दे दिया हूँ और दो इधर, इसको छोटा बड़ा लरी बना दूँगी। दोस्तों पहले मैं इसको पहले बीच वाला को बना लेती हूँ, इसको पहले भर दूँगी बना करके, उसके बाद इसको भरूँगी, उसके बाद फिर इसको भर दूँगी। पहले इधर से बना लेती हूँ। दोस्तों बहुत हल्का है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, सिर्फ फुदना काट करके और इसको मोती लगा करके, और जब इसको गाँथती हूँ सुई में गाँथ करके और बनाती हूँ। दोस्तों ये बहुत हल्का है और बहुत अच्छा लगता रहता है बनाने में। देखिए दोस्तों, ये अब कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत हल्का और बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इसको भर दूंगी बड़ा छोटा करके, और उसके बाद फिर इसको भर दूंगी, उसके बाद फिर इसको भरूंगी। चलिए दोस्तों, तो मैं फिर बना लेती हूँ।
दोस्तों इतना सारा फुदना काटी हूँ, इतना सारा फुदना बनाए हुए हैं, और लाल और वाइट है, लाल है और वाइट है, और इसमें भी है, और इसमें भी फुदना है, तो ये सारे फुदने उसमें लग जाएगा। तो सारे को चलिए दोस्तों अब मैं गाँथ लेती हूँ फटाफट, उसके बाद उसको पूरे को भर दूँगी, उसके बाद आपको दिखलाऊँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पाँव में फंसाती हूँ और पाँव में फंसा करके और ऐसे करके, और इसको बहुत जल्दी में बन जाता रहता है और बहुत जल्दी कटता रहता है, तो बहुत अच्छा गोल गोल होता रहता है। देखिए कितना अच्छा है, गोल गोल है, अच्छा लग रहा है, गुली के जैसे है, छोटा छोटा है, वाइट भी लाल में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों तो अब ये सभी को मैं भर दिया हूँ, यहाँ पे डिजाइन बना दिया हूँ, डिजाइन है, और एक और लगाना है तो मैं लगा लेती हूँ। अब ये हमारा एकदम से तैयारी हो चुका है। चलिए दोस्तों एक और लगा लेती हूँ। इसको सुई से बांधती हूँ, सुई से बांधना पड़ता रहता है, और धागा में लगा करके जब इसको बांधना पड़ता है, इसको अच्छे से बांध दूंगी ताकि ये खुलेगा नहीं। चलिए दोस्तों ये एकदम रेडी तैयारी हो गया हुआ है। चलिए दोस्तों तो सुई, सिर्फ सुई से मैं बनाई हूँ, ये बॉर्डर भी सुई से बनाई हूँ, और ये भी लड़ी भी सुई से बनाई हूँ, और फुदना भी सुई से भी बनाई हूँ, सभी सुई से बनाई हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन लग रहा है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों ये है ना, ये सभी को मैं बराबर कर दूँगी, तो ये एकदम से बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, इसको छोटा सा बच्चा भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता रहता है, और बहुत इसका डिजाइन भी एम के जैसे डिजाइन दे दिया हूँ, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और दोस्तों देखिए यहाँ से शुरू किया हूँ, तो ये एम है, तो एम ए एस एच ए डबल एल ए एच, ये माशा अल्लाह लिख दिया हूँ, ये माशा अल्लाह। और फिर यहाँ से स्टार्ट किया हूँ एम से, तो एम एम यू बी ए आर ए के और एच ओ, यानी कि ये मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, तो यहाँ से मुबारक लिख दिया हूँ, और यहाँ से माशा अल्लाह लिख दिया हूँ। दोस्तों देखिए ये एक बराबर में आ गया हुआ है, आधे आधे पे, और बहुत अच्छे से हो गया हुआ है। इसको मैंने सुई से, सुई की मदद से, और ऊन से और सुई की मदद से इसको भरी हूँ, इसको सुई से भरी हूँ, जरी किया हूँ सुई से, और ये सुई से, ये पूरा ही सुई से बनाई हूँ। दोस्तों ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है, और बनाने में बहुत हल्का है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इससे बेहतरीन गेट सजाने वाला आपको मैं बना करके और बतलाऊंगी। तो दोस्तों देखिए इसमें मुबारक लिखा हूँ, इधर से माशा अल्लाह लिखा हूँ, और इधर से मुबारक लिखी हूँ। और ये प्लास्टिक है, ये बर्फी आता रहता है ना, वो बिकने के लिए तो बहुत सारे आदमी पंखा के लिए और हर चीज़ के लिए बनाते रहते हैं और ख़रीदते रहते हैं, तो ये प्लास्टिक पे बनाई हूँ।
चलिए दोस्तों, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा।